यहाँ पर देखो दो मास है, एक मास M1 है, इसको मैं M1 मान लेता हूँ, और ये मास M2 है। ये सिस्टम इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो क्या इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा? ऑब्वियसली इन सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा। अब यहाँ सेंटर ऑफ मास पहले वाले प्रॉब्लम की तरह नहीं है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास टू डायमेंशनल इमोशन करेगा मेरे भाई, तो यहाँ से टू डायमेंशनल इमोशन करेगा तो हमें उसको निकाल, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम वही वाला फार्मूला अपनाएंगे जो बहुत पहले ही पढ़ के आए हैं, कि अगर एक सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, ये पुली है, और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है और एक ब्लॉक इधर लगा हुआ है, तो ये मास M1 का है और ये मास M2 का है, और ये इधर एक्सेलरेट आ रहा है, ये इधर आ रहा है। चलो तो अगर मैं इनके सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन निकालूं तो हमें मास M1 इसका एक्सेलरेशन प्लस मास M2 और इसका एक्सेलरेशन, और डिवाइड कर दें मास M1 प्लस M2 से, तो मुझे मिल जाएगा कुछ ऐसा ये। अब क्या आपको पता है कि M1 M2 मासेज हैं और A1 A2 इनका एक्सेलरेशन है, तो अगर A1 A2 इनका एक्सेलरेशन है तो इनका एक्सेलरेशन पुट करोगे ना भाई, यहाँ पर रखोगे तभी तो आएगा, तो A1 A2 हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब या तो इक्वेशन लिखो, या तो आपको डायरेक्ट याद हो मैंने एक ट्रिक बताया था, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालने में मैं डायरेक्ट आपको एक आइडिया बताया था, वो बताया था जो आएगा M2G या जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है ना, M1 प्लस M2। जिसको एक्सेलरेशन नहीं निकालने आता है मैं उनसे बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फिजिक्स दोबारा पढ़ें, लॉज ऑफ मोशन दोबारा पढ़ें, का इक्वेशन लिखो और एक्सेलरेशन निकालो। चलो तो अगर एक्सेलरेशन ये है, तो अगर मैं इस एक्सेलरेशन को यहाँ रखूंगा तो चलो टू डायमेंशनली मोशन करा, तो मास M1 और इस एक्सेलरेशन को रखोगे तो एक्सेलरेशन ए ये माइनस जे कैप, और इसको रखोगे तो माइनस M2 A i कैप, और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मासेस M1 प्लस M2, ठीक है। तो अब जब यहां से कॉमन लोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमन ले लिए, और ब्रैकेट में माइनस M1 और A की वैल्यू डाल दिए, और ये आ जाएगा M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस M2 स्क्वायर जी और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और ये आ जाएगा Z। कुल मिला के एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टू डायमेंशनली मोशन करेगा, और वो थोड़ा और मैं ढंग से निकलूं तो यह जाएगा M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M2G M1 प्लस M2, और ब्रैकेट में माइनस M1 J कैप, ठीक है, और माइनस M2 I कैप, ठीक है, ये I कैप है, क्लियर है, और ये यहाँ जे कैप है। तो ये जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसकी इतनी मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है। अब देखो टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, ठीक है, अब ये सिस्टम है अपना, तो एक ब्लॉक यहाँ है, ठीक है, तो इनका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर कहीं होगा, तो जब ये दो ये आगे आ जाएगा माइनस आई कैप और ये जो नीचे जाएगा माइनस जे कैप, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो इस लाइन पे कहीं इधर आएगा, ठीक है, जैसे ऐसे आएगा तो वो टू डायमेंशनली मोशन करेगा, माइनस जे और माइनस आई, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करेगा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा और बहुत बेहतर।